और दोस्तों क्या हाल चाल, समस्त है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज पानी पूरी वाला व्लॉग मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे मेरा भाई पानी पूरी तल रहा है अभी। ये देखो जो फ्रिज का डब्बा था उसी कार्टून को ही काट दिया, उसी में बता सामान रख लिया, पूरा पानी पूरी रख रहा है। मतलब लाल लाल ज़्यादा ना निकालो, गर्मी ज़्यादा है। क्या रहेगा कि लाल लाल ज़्यादा निकालेंगे ना तो गर्मी में फूटेगा। और आप लोगों के कल वाले वीडियो के कमेंट्स डाउट है ना, चलिए बात कर लेते हैं कि ये बाइक मैंने कैसे ली है। ये बाइक लेने की स्टोरी में क्या थी मैं बता रहा हूँ आपको। जब अनिल के शादी मतलब लग चुका था, हम लोग यहाँ से जाने वाले थे मान लो, तो जब मेरे पास वो TVS वाली बाइक थी तो मेरा ये डाउट था कि वो TVS वाली बाइक को मैं गांव ले जाऊँगा तो यहाँ के लिए कौन सी बाइक बचेगी जिससे मैं दूर दूर जा सकूँ। तो शादी होने से पहले ही मतलब यहाँ जाने से पहले ही मैं डिसाइड कर लिया था घर में कि वहाँ से वापस आएंगे तो एक बाइक चाहिए मेरे को, मतलब लेना है मेरे को, ठीक है। तो मैंने सेविंग करके रखी थी कुछ खास और EMI में ली है। डाउन पेमेंट मैंने 30,000 रुपये दिया है, बाकी किस्त भर दूंगा उसका धीरे धीरे करके। अब कल जो आप लोग कमेंट्स करते थे उसको मैं क्लियरिफाई करता हूँ कैसे। हाँ यार मैं कैसे दिखाऊँ उसको, अगर ये बाइक मिलती तो मैं ये नहीं बोल पाता कि ये मैंने अपने YouTube की कमाई से ली है। चलो चेक करते हैं। क्या नील गाड़ी तुम्हें मिली है कि हमने ली है, बताओ। नहीं मिली, लई है जी ना हमने। हाँ ये देखिए मतलब मैं लिया हूँ। अब गलती क्या थी पता है, देखो हम लोग मेरा भी शादी हुआ था ना तो कोई डिमांड नहीं था हम लोग का, मेरे भाई का भी शादी तो कोई डिमांड नहीं, बस ऐसे ही बेसिक सामान जो भी है जैसा भी, तो डिमांड कुछ नहीं थी हम लोग की, बस ऐसे ही बस मस्त हो गया। जो भी हो गया भगवान की कृपा है और आप लोग का सपोर्ट है, और आप लोग के सपोर्ट की वजह से मैंने ये गाड़ी ली। भाई जाहिर सी बात है आगे मतलब यूट्यूब चलता रहेगा, धीरे धीरे इसकी मैं किस्तें भरता रहूँगा। और रिंकू भैया के पास भी सेम ही है, ये देखिए, तो वही कलर मैंने डिफरेंट ले लिया थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अपग्रेड मॉडल है मेरा। अब मैं यही चीज़ बोला भी कि अगर ये गाड़ी मिली होती तो मैं ये चीज़ नहीं बोल पाता जो खुल के बोल रहा हूँ, मेरे भाई भी कहा बोलता। तो और एक डाउट और कि कल भैया लोग कमेंट कर रहे थे कुछ लोग कि UPI नंबर ना लेके आप लोग यहाँ पे नंबर ले लिए। सबसे बड़ी गलती मेरी यही रही कि मेरे पापा कल आए और मैंने आज गाड़ी ले ली, मतलब जिस रात को आए ना उसके नेक्स्ट दिन गाड़ी ले ली। क्या था कि आप लोगों ने एक पार्टी व्लॉग देखा होगा बीच में, मैंने पार्टी व्लॉग देखा, उसके पहले मेरे पास 3 अपॉर्चुनिटी थी पार्टी व्लॉग बनाने की, तो मैं नहीं जा पा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे पास बाइक नहीं थी। उसकी हेडलाइट ख़राब है, कहाँ गई? ये देखो इसकी हेडलाइट ख़राब है, सेल्फ काम नहीं करता, कभी कभी बंद हो जाती है, तो इसलिए मैं ना 30-35-40 किलोमीटर नहीं जा पाया और आप लोग के लिए पार्टी व्लॉग नहीं बना पाया। जो भी पार्टी व्लॉग पिछला वाला बनाया था तो वो ना पास का ही जाके बनाया था, इसी चक्कर में तो मेरे फैमिली जब आने वाली थी तो मैं सोचा कि उसके 2 दिन पहले ही गाड़ी ले लूँ, क्योंकि उस दिन मेरे को पार्टी व्लॉग बनाने जाना था। फिर मेरे को लगा जिस दिन मम्मी पापा लोग आएंगे ना उसके नेक्स्ट दिन ले लूँगा, तो बस वही हुआ, जिस दिन उन लोग आए उस दिन मैं ले लिया। अरे आप लोगों को गलती नहीं भाई, गलती मेरा है कि मैं उसके जस्ट दूसरे दिन ले लिया, तो आप लोग को तो अलग बात है। यहाँ भी लोग वही सोच रहे हैं जो आप लोग सोच रहे हो, बगल वाले भाभी वहाँ मेरे जी रहते हैं, वहाँ के पड़ोसी लोग, मोहल्ले वाले लोग, तो इनको एक्सप्लेन तो नहीं, चलो मैं इंडिविजुअली कर दूंगा, इनको सामने से बता दूंगा, लेकिन आप लोगों को कैसे बताता। तो ये आप लोगों के सपोर्ट से मैंने ली है। तो चलो बात ख़त्म हो गया, लगाते हैं ठेला, निकालते हैं इसको। इसका तिरपाल नहीं पता कहाँ चला गया मेरा यार, चूल्हा वगैरह तो सब यहीं पहले से ही रखाया हुआ है। अब मैं गाड़ी लेने के बाद ना थोड़ा सा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब मान लो 2 चैनल हो गए 3 चैनल हो गए स्ट्रीट फूड रेसिपी, उसके लिए भी कंटेंट बनाना पड़ेगा, तो बाइक चाहिए था भाई, इसलिए मैं आने के बाद तुरंत ले लिया। अब कल मेरा भाई आया मान के चलो, ठीक है, और मैं बाइक लेने गया, जब तो मेरा भाई बाइक लेके कहीं चला गया, मैं 2 घंटा तक कहीं नहीं जा पाया, और जबकि मेरे को विक्रम भैया बुला रहे थे कि चल वहाँ वहाँ चलना है, ये रेसिपी बना लेना, ये वीडियो बना लेना, लेकिन नहीं जा पाया, इसलिए मैं उन वहाँ छोड़ के सीधा वहाँ चला गया और वहाँ जाके बाइक ले गया मैं नीरज। अब ये बताओ अगर बाइक लेनी होती मेरे भाई वाली बाइक, मान लो जैसे आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि अनिल वाली बाइक है, ठीक है, तो मेरे भाई भी साथ में जाता यार, मतलब मेरी फैमिली पूरी सो रही थी, मैं गुरुजी और नीरज चलेगा घूमते फिरते और ले आए, क्या करें दोस्त, सही है। मैं दोस्तों खाना खा रहा हूँ और खाने में आज बना है पत्ता गोभी और रोटी, बस मतलब कोई मेन्यू नहीं था, इतना ही बना है भाई। तो खाना खा लिया हूँ और अभी दुकान लेके जाना है, 11:30 बज गए, बहुत तेज गर्मी है। अब इतने दिन आए थे हम लोग, खाना सुबह खाते थे, दिन भर बिस्तर में पड़ रहे थे, लेकिन अब ये है शुक्र है कि ठेला ढकेल के नहीं ले जाना है, बस ये तो हालत ख़राब हो जाता भाई। तो दोस्तों ठेला सेट हो गया है, लेकिन ना पानी नहीं ले जा रहा हूँ, मतलब शाम को लाया ही नहीं, अब देखते हैं एक आध दिन लगा के देख लेता हूँ कैसा क्या माहौल है। और 2 ही पनीर ले जा रहा हूँ, रीज़न ये है क्योंकि पानी पूरी बहुत दिनों के बाद बनाए, थोड़ा सा ना गड़बड़ा गया क्योंकि ना लेट हो गया बेलने में और पचक भी गई। ये बताओ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं भी 2 पनीर पानी पूरी ले जा रहा हूँ 550 के आसपास, समझना बात को ना। ये देखो इसमें है 300 के आसपास बोल सकते हो, ठीक है, ये फूली है तो 300 आई है, और ये बताओ ये पचकी है तो कितनी होगी,
ये कम से कम 500 होगी। अगर एक रुपये का एक पीस हम लोग सिर्फ पानी पूरी बेचते हैं पापड़ी सूखी वाली, तो ये 500 रुपये तो चले गए। ऐसा होता है भाई साहब? अब ये आज पापड़ी बांटेंगे। अरे उससे पहले पूछ लूँ, कहाँ माँ? इसी मेरे पापा का भी तो नहीं है कहीं? नहीं है पापा। पापा की अलग होगा ही हाँ? ये पूरा मेरा है यार, इसका मतलब मजा आ जाएगा। देखते हैं कितना बांट सकते हैं आज। तो टेम्पू को दोस्तों यहाँ पे खड़ा कर दिया हूँ, सामान भूल गया सबसे ज़्यादा ज़रूरी, डंडा वो जो साइड में लगाता हूँ तिरपाल बांधने के लिए वो। अब पता नहीं घर में होगा भाई कि नहीं होगा, अब होगा तो कहाँ पे होगा। मतलब आज ही दुकान लगाया और आज ही पूरा सेटअप किया, ये ना मेरे को कल ही कर लेना चाहिए, लेकिन ना खा पी गए मस्त कूलर चालू करके घर में सोते थे, क्या करें। तो भाई यहाँ पे लगा हुआ था, ये डंडा लगा दिया हूँ और इसको निकाल लिया हूँ। पुराना वाला नहीं पता कहाँ गया, याद ही नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। लो भाई सबसे पहले दुकान लेके आया, सबसे पहले तिरपाल बांधा, उसके बाद अब सेटअप करता हूँ। देखते हैं भाई, दो पानी लाया हूँ, ज़्यादा नहीं लाया हूँ, और वो ठंडा पानी लाया नहीं हूँ आज। देखते हैं बिक्री क्या होती है, पानी पूरी की बिक्री क्या होती है, लोग आ रहे हैं कि नहीं, उसी हिसाब से ठंडा पानी भी लाऊंगा कल से। बहुत तेज़ गर्मी भाई, अभी ना मालूम ये पूरी ज़मीन तो गर्म ही थी, अभी तिरपाल बांध दिया तो ठंडी हो गई धीरे धीरे, पानी वगैरह गिरेगा तो पूरा जूते में ना नीचे तलवे में जलन हो रही है। और अभी मैं मान लो वहाँ घर में था, गुहन में था, घर में था तो जूते नहीं पहना करता था, अब ठहरे लेके आया हूँ तो जूता पहना हूँ, तो भाई आज जूता पहनूंगा तो रात में बहुत तेज जलन होगा गर्मी के चक्कर में। तो तवा तो सेट कर दिया दोस्तों, और पानी पूरी की बोनी कर लिया हूँ 50 रुपये की, और चार के लिए तो कोई पूछा भी नहीं, गर्मी का कारण भैया, गर्मी का कारण। अब मैं सोच रहा हूँ इसको ना आज बांध ही दूँ ऐसे, जो ग्रीन मेट ऐसे करके बांधता हूँ, क्योंकि गर्म हवा चल रही है, कोई फ़ायदा है नहीं। तो अभी ना इस मेट को ना बांध लेता हूँ, क्योंकि बहुत ना गर्मी भी लग रही है, उधर से गर्म हवा भी आ रही है, बांधना तो पड़ेगा ही थोड़ी देर में, अभी बांध लेता हूँ भाई, क्या करें। इसको लगाने से दोस्तों ना थोड़ा मोड़ा ठंडक आता है, मतलब गर्म हवा जो रहती है डायरेक्ट नहीं लगती है। बैठता हूँ भाई, बिगड़ी पट्टा तो है नहीं, बहुत दिन बाद खोल रहा हूँ इसीलिए, कॉलेज वगैरह सारा कुछ बंद है इसीलिए, और भी कुछ रीज़न है इसीलिए, लेकिन रीज़न पर पता नहीं ना भाई। छुट्टी बना रहे थे क्या तुम लोग साल भर से? छोटे भाई की शादी नहीं था भैया, शादी करने गया था उसका, आ गया अनिल। अरे आप लोग कहाँ, बड़े आदमी कहाँ, यहाँ वहाँ जाएंगे इतना दूर? बोला तो करो कम से कम। नहीं भैया, जिनको बोला तो वो तो गए नहीं, एक आध दो लोग पहुंचे थे। ये लो मीठा खट्टा लो खिला दूं। अरे भैया आंधी आ रहा है, क्या करें। सिर्फ बैठा फिर बाल कटवा के सर में टोपी लगा रहे हैं, नहीं ठीक है लेकिन टोपी लगा लीजिए बस। और अभी मैं डब्बा में यहाँ पे बोरा डाला था, गीला करते रहता हूँ इसको, अपना टाइम नहीं मिला, मतलब टाइम क्या ना मिला, इसमें बोरा बांध देता, इसमें भी बोरा बांध देता। अब आज खुला हूँ दुकान, हवा तो इतनी तेज़ चल रही है, वो ग्रीन मेट ना हवा को रोक ले रही है, वरना भाई बहुत तेज़ हवा आती है। इसके ऊपर पानी डालते रहता हूँ धीरे धीरे, ताकि पानी जो बैकअप वाला है ना वो ठंडा रहे। तो अभी ना 3:30 बजने वाले हैं, घर से 40 टिक्की लाया था, 40 टिक्की में इतनी सारी टिक्की बची, मतलब वो भी नहीं बिकी अभी तक, 4 घंटा हो गया कंटिन्यू, ये देखो 4 घंटा मतलब 3.5 घंटा हो गया, और पानी पूरी इतनी बची है, आधी से भी थोड़ी सी कम। तो मटर को ना मसाले में डाल के खिलाते जा रहा हूँ, क्योंकि मटर बचेगा तो भाई ख़राब ही हो जाता है, अब थोड़ी मोड़ी बिक्री होती है तो भाई खिला देते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और सामने से ना इतनी तेज़ हवा आ रही है कि मत पूछो, ये जो मेट है ग्रीन मेट, ये काफ़ी ज़्यादा ना मतलब बचा लिया, हवा को ना रोक देता है, स्लो कर देता है। और दोस्तों मेरा ना ये गाड़ी लेने का ही मूड बन रहा था, लेकिन ना वही पल्सर का मतलब कोई जुगाड़ नहीं बन पा रहा था। कितने का पड़ा ये वाला गाड़ी? हार्ट कैसे की ईएमआई में पे डाउन पेमेंट कितना दिया था पैसा? 20 मतलब 20,000 मिल गया यार गाड़ी यार। और कितने का किस्त? 4,000 बहुत सस्ता बनवाए, इसलिए महंगा पड़ गया ना थोड़ा सा। और कैश में कितने का है? कैश में 1,12। और बाप रे 28,000 रुपये का डिफरेंस यार, 28,000 रुपये का डिफरेंस 1,12। हाँ यार 28 हो गया, मतलब किस्त में देखो 28,000 रुपये ज़्यादा पड़ गया, 125 है ना, 125 तो मैं भी लिया हूँ।
मैं पहले ही सिलेक्ट कर लेता साइन लूँगा या फिर वही एस पी लूँगा 125। बताइए भैया आज अकेले अकेले आए हैं, फुल्की थोड़ा मोड़ा बचा है, बस खाइए जल्दी जल्दी, मैं भी जाऊँ रास्ता नापूँ घर का। कहाँ दिया रहा है भाई, यहाँ थोड़ा टैक्सी में बैठा हुआ था और कहीं देखो रोड में एकदम खाली दिख रही है पूरी, 3:30 बज गए हैं। अभी ना मैं क्या करने वाला था पता है, अभी ना मैं अपने हाथ को ना मतलब 3:30 बज गए हैं ऐसे देखने वाला था, क्योंकि गाँव में था ना तो ऐसे ही करके देखा करता था, 3:30 बज गए हैं और आप लोग को भी दिखाया करता था, लेकिन यहाँ ठेला में थोड़ी कुछ पहनूंगा घड़ी वगैरह। यार नहीं भी ना हल्का, अब पानी पूरी तो खत्म हो गया भाई, वही चार छोड़ा मोड़ा बचा है तो निकल रहा है धीरे धीरे। ये लीजिए दो ठो आपको बना देना भैया, चाट में दही में डाल दो भैया। हैं पूरी गैस ना उधर से हवा आ रही है ना, गैस पूरी यहाँ पे आ जा रही है, बीच में तो देखो गर्म भी नहीं है, यहाँ पे एकदम भी गर्म नहीं है, यहाँ पे गर्म है, पूरा गैस पूरा उड़ जा रहा है यार। तो हमारे बाबूलाल चने की दाल भाई साहब आ चुके हैं टेम्पो वाले भैया, बैठिए कैसे गर्मी है? गर्मी फिलहाल आपको देख के तो नहीं लग रहा है भाई, मेरे को तो गर्मी लग रहा है यार। हाँ बाबूलाल सवारी खोजिए, टेम्पो में सवारी है नहीं तो मार्केट में, गर्मी में सब सो रहे हैं, मार्केट में दम नहीं है, मार्केट में दम नहीं है। दो पैकेट लाया था वही बिका है भाई, देखो भाई ORS पाउडर लाया था आज, दो पैकेट लाया था, एक पी चुका और एक अभी पी रहा हूँ, मतलब आज इसी के भरोसे हूँ, क्योंकि ना इसको मैं जानबूझ के इसलिए लाया था कि मेरे को पता था कि बहुत देर में दुकान खोल रहा हूँ, थोड़ी मोटी दिक्कत मत हो जाए, मतलब अभी तो नहीं है लेकिन घर जाने के बाद मत हो। पहले जल जीरा रे, जल जीरा नहीं है बाबूलाल, क्या है बहन जी? बहन जी यार, मेरे को बहन जी बोलते हैं। ये ORS है, मतलब गर्मी लगता है ना तो शरीर का पानी सूखता है, तो इसको मेंटेन कर देता है। आपका शरीर का पानी सूखता भी है क्या? तो आपका भी सूखता होगा, लेकिन आप लोग ना शाम को आप लोग ना दारू पी लेते, इसलिए नहीं सूखता है, सही बोलता हूँ मैं तो। टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा, टेस्ट में भी अच्छा है, और पिछले साल मैं लाया करता था ऑरेंज वाला फ्लेवर वाला, तो ना बोतल में घोल के रख लिया करता था, तो लोग बोलते भैया पेट्रोल पी रहे हो का। तो अभी 5 बजने वाले हैं, लेकिन लग तो धूप रही है, ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर है एकदम, 3 टिकिया बची है तो मैं घर जा रहा हूँ। पानी पूरी लगभग ख़त्म हो गई, पापड़ी बहुत बांटा लेकिन फिर भी इतनी सारी बच गई, मटर भी नहीं बचा ना, तो 3 टिकिया बची है बस। फुल्की नहीं है, चाट है वो, पापड़ी है। इसको उसी को दूँ, ज़्यादा खिला दूंगा, खा लीजिएगा है ना, कितना खाएंगे? 10 रुपये का 5 देता हूँ इसको, इसको कितना खाएंगे 10 रुपये का? उस फूला वाला को 10 रुपये का 5 और 6 देता हूँ, इसको कितना खाएंगे? कितना खिला फुल्की तो क्या ना, गर्मी में ना पानी पूरी ज़्यादा बिकती है, चाट एकदम ना खराब है, 30-35 टिके लाया था वो भी ढंग से नहीं बेच पाया। अगर किसी को खाना ही ना मान लो, जैसे मैं जो रेगुलर कस्टमर है, तो भाई 2 चाट निकाल चुका हूँ, थोड़ी मोड़ी बची है, देखते हैं अब चम्मच तो लगा दिया, प्लेट लगा लेता हूँ। अभी ना मतलब गर्मी इतनी तेज है कि चाट में ना काफ़ी ज़्यादा गर्म लगती है, लीजिए थोड़ा नहीं अच्छा लगे, समेटता हूँ, तिरपाल वगैरह खोलते हैं अब। हाँ और टेम्पो ना इतने दिन से खड़ा था, एक दिक्कत हो गया, मैं बताता हूँ, इसका ब्रेक फेल है, मतलब थोड़ा थोड़ा लगता है, पहले के मुकाबले सिर्फ 20% लगता है। हो गया भैया बहुत खाना, पेट भर गया, तो अभी घर आ गया हूँ, अभी जा रहा हूँ दुकान घड़ी साबुन लेने, ताकि बर्तन धुल सकें। ये जो सीन है, क्या सीन हो गया है कि कल दुकान नहीं खुलेगी, देखो एक ही दुकान लगा पाए उसके बाद बंद। कल मेरे भाई की मतलब कुछ पूजा पाठ है घर में,
तो पता नहीं, मेरे पापा बोल रहे थे दोनों मत खोलना, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं खोल सकता हूँ भाई दुकान। अब वही दिक्कत है, असमंजस में जी है, मतलब असमंजस में जी है मेरा कि कल खोलूँगा कि नहीं खोलूँगा। अब वही डूडू के मम्मी को बोलना है, मम्मी बाबा से पूछ लेना, देखते हैं जैसा भी हो। तो वहाँ से डायरेक्ट अभी चौपाटी में आ गए हैं। भेलपुरी बना दीजिएगा भैया ना, एक प्लेट भैया भेलपुरी बना दीजिएगा, लाल मिर्ची होगा तो मत डालिएगा ना, अगर आप डालते होंगे तो। कहाँ गए, कहाँ की मिर्ची, मत डालना भैया मिर्ची ना। वहाँ गुरु जी भेलपुरी बनवा रहे हैं, मैं मुर्रा बनवाने आ गया हूँ यहाँ 10 रुपये का। मिर्ची मत डालिएगा ना, बना दीजिएगा। तो मैं मुर्रा भी लाया हूँ, भेलपुरी खा रहे हैं सर, कैसा लगा, बढ़िया ना। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, आज ब्लॉग का दूसरा दिन है। तो ये रहा मेरा भाई, तो मैं ये नहीं बोला कि ये गाड़ी मेरी है सिर्फ, तो इसकी भी गाड़ी है, तो जहाँ चाहे ले जा सकता है। कहाँ बोलता है, कहाँ ले जाना है पता नहीं, तो गलती यही हुई ना, मैं सोचता कि मेरे भाई लोग आ जाएंगे, और शशि का भी कहना था कि नई बहू आ गई उसी से टीका करवाना है, तो नई बहू से टीका करवाए। अब ये बताओ, अगर मेरे भाई की मिलती तो मेरे भाई बोलता नहीं यार कि मैंने मिलती। अब मेरे भाई के ना ससुराल वाले भी वीडियो देखते हैं, तो मेरे भाई की इतनी हिम्मत है कि बोल सके कि नहीं मिली है, इतनी हिम्मत है नहीं है। तो अभी वही पानीपुरी, ये तो दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगा यार, पानीपुरी यहाँ पे गिन रहे हैं, ये देखो 3-3 सवार है इसमें। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं प्रिंट करते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, पक्का है, विश्वास तो करवा ही दूंगा मैं आपको, बोलूँगा कुछ नहीं, धीरे धीरे आप लोग समझ जाओगे कि हाँ मैं सही था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।